हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक है आपका MAG 3 ब्रिटिश नॉवेल। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फील्डिंग बीइंग द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। देखिए, फील्डिंग को जो है वो फादर कहा जाता है इंग्लिश नॉवेल का। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बताएं कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इन हिंदी में। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ठीक आता है यहाँ पे, आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन काम आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट फील्डिंग बीइंग द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, कहा जाता है फादर इंग्लिश नॉवेल का फील्डिंग को। और राइट ए नोट ऑन फील्डिंग्स कंट्रीब्यूशंस टू द इंग्लिश नॉवेल, क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था फील्डिंग का इंग्लिश नॉवेल में। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसमें आएगा, कुछ एक आपको आंसर एक ही देना है। एक्सेस फील्डिंग्स प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। देखिए फ्रेंड्स, इसका आते हैं आंसर पे। इट इज नाउ ऑलमोस्ट ए वेल सेटल्ड पॉइंट दैट कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड फॉर ए प्रीटी लॉन्ग टाइम। कहता है कि देखिए, इट नाउ ऑलमोस्ट सभी को पता है कि वेल सेटल्ड हुआ था कि फील्डिंग जो है फादर जाने जाते हैं इस नॉवेल के। तो यद्यपि द कंट्रोवर्सी एक विवाद हुआ इसमें कि कंटिन्यूड फॉर ए प्रीटी लॉन्ग टाइम। सर वाल्टर स्कॉट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टू कॉल फील्डिंग द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। सबसे पहले जो है सर वाल्टर स्कॉट कहे थे, जो है फादर कहे थे फील्डिंग को इंग्लिश नॉवेल का। ये कहते हैं, इसका रेफरेंस रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट, ठीक है, स्टर्न आर ऑफन नोन एज द फोर व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल जाने जाते हैं इन द 18th सेंचुरी के। दौदबी, बनियान, डेफो एंड सम अदर नॉवेलिस्ट ऑल्सो फ्लोरिस्ट इन दिस पीरियड। 18th सेंचुरी वाज इन ए पार्टिकुलर द सेंचुरी ऑफ द ग्रेट नॉवेल विच डिक्लाइंड लेटर एज द बिग फोर द नॉवेल सीन। इसमें चार जो है नॉवेल सीन के बारे में बताया गया है 18th सेंचुरी में। नो डॉट, कोई संदेह नहीं है, क्या चीज देखिएगा फ्रेंड्स, कि रिचर्डसन प्रिसीडेड फील्डिंग। ही रॉट हिज नॉवेल पेमेला और विकना रिवार्डेड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम टू बुक सेलर्स टू ड्रॉ अप ए वॉल्यूम ऑफ फेमिलियर लेटर्स टू इंस्ट्रक्ट हैंडसम गर्ल्स हु आर ऑब्लाइज टू गो टू सर्विस एज वी प्रेज इट हाउ टू अवॉइड द स्नेयर्स दैट माइट ही लेड अगेंस्ट दियर वर्च्यू। अब देखिए, यहाँ वर्च्यू का मतलब होता है अच्छा गुण वाला, मतलब अवॉइड किया गया, मना किया गया है। क्या है, एज वी प्रेज यू, जब हम लोग प्रशंसा होते हैं, दैट माइट लेड अगेंस्ट देयर वर्च्यू, वर्च्यू के अगेंस्ट होता है। दिस इज हाउ परनेला पेमेला अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स के रूप में अपियर कैसे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहता है यहाँ पे देखिएगा, दिस वन मे कॉल इट द बर्थ ऑफ द नॉवेल पेमेला, लेटर्स वन मे कॉल इट द बर्थ पॉपुलर, ठीक है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर। रिचर्डसन कहा जाता है, सेकेंड बुक वाज क्लैरिसा हैल्सो था, ठीक है, क्या था, क्लैरिसा हैल्सो था, विच इज कंसिडर्ड बाई मेनी टू बी हिज बेस्ट वर्क, बहुत अच्छा वर्क भी जाना जाता है इनका। द थीम ऑफ दिस नॉवेल इज अ ट्रेजेडी, क्या दिखाता है, ये ट्रेजेडी है ऑफ द हीरोइन का। क्लैरिसन हु इज ए वुमेन, एक वुमेन है ऑफ वर्च्यू, अच्छी गुण वाली है, सीज डिटेस्ट बाय रिचर्डसन लवलेस ए हेडोनिस्ट बट सी प्रिफर्स डेथ टू अ लाइफ ऑफ शेम एंड माइजरी, जो है शर्म आता है, माइजरी दुख की बात है। लेटर रिचर्डसन राइट सर चार्ल्स ग्रैंडसन टू ट्राई हिज हैंड एट अ मॉडर्न जेंटलमैन को दिखाने का काम करते। इन ऑल ह्यूमैनिटी, जितने मानव की बात है, ए हाई प्लेस अमंग द ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट कैन नॉट बी डिनाइड, उसे मना नहीं कह सकता है। रिचर्डसन इवेंट टू ही स्टार्टेड ए कोर्स ओनली एक्सीडेंटली, अचानक, एमंग हिज कंट्रीब्यूशंस टू वी कैन एडम्ब्रेट इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टराइजेशंस, एक विशेषता की बात की गई है, ए सिंगल एक्शन काउंटर शिप प्लॉट कंस्ट्रक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है, हाई मोरल सीन इवन दो ऑन कन्वेंशनल लाइन्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज मेरिट्स रिचर्डसन लैक्स द स्टोरी एलिमेंट, इसके बावजूद कहा जाता है जितना ही मेरिट्स था जो रिचर्डसन का, कुछ कमियां थी स्टोरी एलिमेंट में एंड डिस्टिंक्ट, और कुछ स्टाइल था इसमें, देयर इज नो ट्रू, सब सत्य नहीं है। मेल एलिमेंट वर्थ द नेम, अपने मूल्य को बताते हैं, एंड हिज नॉवेल्स आर ए प्लेथोरा ऑफ सेंटिमेंटल पैथोस विथ ए कॉरस्पॉन्डिंग लैक ऑफ
रियलिज्म विच वी फाइंड इट एबंडेंस इन फील्डिंग। फील्डिंग एबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज को, वो देखेंगे हम लोग कैसे है। एज फार एज फील्डिंग कंसर्न्ड ऑफ कोर्स ही टू केम टू बी ए नॉवेलिस्ट, एक जाने जाते हैं उपन्यासकार। एक्सीडेंट ओनली एज बाय हिज फर्स्ट चॉइस, सबसे पहला चॉइस था ही वांटेड टू बी ए ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट बनना एक। टू बी विच इज ही ट्राइड, वह कोशिश करते थे कि हार्ड एज ही रॉट 16 ड्रामा, कितना लगभग वो 16 ड्रामा वो लिखे थे फील्डिंग। इट वॉज रिचर्डसन्स पैमेला विच प्रोमोटेड फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू ए पाथ विच एट लास्ट लास्ट में लेड हिम टू हिज मास्टरपीस टॉम जोन्स। देखिए बात किया गया टॉम जोन्स का। जोसेफ एंड्रूज वॉज रिटेन एज ए पैरोडी टू पैमेला एंड दिस स्टार्टेड द न्यू गेम, नया गेम स्टार्ट किया गया। वेयर एज देखा जाए रिचर्डसन्स नॉवेल्स वर प्रैक्टिकली ऑल फेमिनिन, जितना फेमिनिन के बारे में बात होती है। फील्डिंग्स वर मोस्ट मैस्कुलिन, फील्डिंग प्राउड टू सरफेस रियल कैरेक्टर्स नॉट जस्ट शैडोज, हिज कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑल द वर्चुज को दिखाने का काम करती है, वाइसेस एंड फॉइबल्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाइम्स। रिगार्डिंग फील्डिंग्स कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश नॉवेल थॉमस हैवर्थन सेज, क्या कहते हैं, सीक ऑफ हर फूल्स ग्रेट नेचर प्रॉक हर जेस्ट एंड ट्रूथ हेल्ड आउट ईच करेक्टर टू टेस्ट। वैन जीनियस स्पॉक लेट, स्पॉक कहा गया है, फील्डिंग टेक द पेन लाइफ ड्रॉप्ड हर मार्क्स एंड ऑल मैनकाइंड वर मेन। टू कंटिन्यू द राइम वन कैन से, कहते हैं फील्डिंग स्टील हैज हिज फील्ड डे ऑन द सीन विच मार्क्स द इंग्लिश नॉवेल गुड और मीन, कहता है फील्डिंग के द्वारा इंग्लिश नॉवेल जो है अच्छा हुआ, कहना मतलब क्या है मीन। फील्डिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही बड़ी थी, महान थी, परफेक्टेड द इंग्लिश नॉवेल नॉट जस्ट इन वन पर्टिकुलर फील्ड बट इन ऑल फील्ड्स। हिज नॉवेल्स पर्टिकुलरली टॉम जॉन्स आर मार्क्ड बाई एन आर्किटेक्टोनिक प्लॉट लाइफ लाइफ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स प्रीवेलेंस ऑफ ए ब्रॉड एज वेल एज टरिक, मतलब होता है व्यंग, बात किया गया आयरोनिकली ह्यूमर मजाकियापन, कोहेरेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड ए पावरफुल ड्रामेटिक सेंस विच मेंटेन्स ए सस्पेंसफुल इंटरेस्ट इन द हाईली एब्जॉर्बिंग नरेटिव को दिखाने का काम करती है। एक इंटरेस्ट, एक रुचि होता है एब्जॉर्ब प्राप्त करने के लिए। फील्डिंग इज नॉट जस्ट बोस्टिंग व्हेन अबाउट हिज कैरेक्टर्स ही क्लेम्स इन द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन अकादमिक नाम आ रहा है जोसेफ एंड्रूज, आर नॉट द कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर सिर्फ नहीं है बात, देन टेकन फ्रॉम रियल लाइफ टू विच आई आंसर इन द अफर्मेटिव ने आई बिलीव, विश्वास करता हूँ कि आई माइट एवर दैट आई हैव रिटेन लिटिल मोर देन आई हैव सीन, जो मैं देख चुका हूँ। There is no doubt, कोई संदेह की बात नहीं है, फील्डिंग वॉज अ कॉन्शियस राइटर, एक सचेत राइटर है, एंड ही कॉन्शियसली क्रिएटेड लाइफ लाइक कैरेक्टर्स वर नेचुरल एंड जेन्युइन, प्राकृतिक और क्या है, जेन्युइन है, प्रामाणिक है। वेयर देखा जाए रिचर्डसन्स मेन एम वॉज टू इंस्ट्रक्ट दस, फील्डिंग वॉज ए ग्रेटर आर्टिस्ट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट कलाकार थे। इनफैक्ट हिज मेन कंसर्न वॉज आर्ट नॉट मॉडलाइजिंग। एज फार एज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इज कंसर्न, डोंट नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं है। डेफो टू इज सेड टू हैव बीन अ क्लोज ऑब्जर्वर, इट इज सेड दैट ही मूव्ड अबाउट ऑन हाउस बैक अमंग पीपल मोस्टली इन रूरल एरियाज टू ऑब्स्क्योर, मतलब होता है अस्पष्ट, द पीपल फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स ही इज सेड टू इंटर इन टू कन्वर्सेशन, मतलब होता है बातचीत करना विद देम टू नो अबाउट देयर उसकी क्वालिटीज के बारे में बात की जाती है, हैबिट्स एंड प्रॉब्लम्स, बट दिस हिज वाज कंपैरेटिवली ए क्रूड अटेम्प्ट। फेलिंग टू हैड ए, क्या देखिए फ्रेंड्स, हैड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस एजेंट्स, को बहुत बड़ा अनुभव था पत्रकार में, लॉवर में, मजिस्ट्रेट एंड प्लेराइट, एंड ही केम टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल ऑफ ऑल काइंड, सभी लोगों से अच्छा खासा उनका कॉन्टेक्ट रहता था फील्डिंग का। एज फॉर इसी प्रकार रिचर्डसन वॉज कंसर्न किए थे क्या फ्रेंड्स, कि ही ऑफन ड्रू हिज कैरेक्टर्स ओनली फ्रॉम द मिडिल क्लास, इसको करेंगे मिडिल क्लास को, एज ही हैड नो नॉलेज ऑफ अदर क्लास, काफी कोई नॉलेज उसको नहीं था, एज ही हैड नो नॉलेज ऑफ अदर क्लास। इन फील्डिंग वी हैव ए वाइड, देखिए रिपीट हो गया यहाँ पे, वो लिखना है आपको, वी हैव ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द होल सोसाइटी, पूरे समाज के बारे में बात की जाती है। अगेन दोबारा कॉट हिम कहा गया है, एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम द बुक ऑफ नेचर,
पत्ते को क्या है, प्राकृतिक से कॉपी करते हैं, इसको उतारते हैं, एंड स्कार्स ए करेक्टर, और करेक्टर में कमी होती है, और एक्शन प्रोड्यूस्ड विच आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम माई ओन ऑब्जर्वेशन, और मैं देख क्या लेता हूँ फ्रॉम माई ओन, अपना पूरा अवलोकन एंड एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को देखता हूँ। फील्डिंग हिमसेल्फ, फील्डिंग तो है खुद से, बीइंग अ मजिस्ट्रेट, क्या है मजिस्ट्रेट खुद पे हैं, एंड एन ऑनरेबल मैन, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी एंड रेक्टिट्यूड, मस्ट बी टेकन एट हिज वर्ड। फील्डिंग्स ग्रेट अचीवमेंट बिसाइड्स इन रियलिज्म इज सेड टू बी इन मैटर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शंस व्हिच ही परफेक्टेड एज मच एक्सटेंशंस, एक विशेषता के बारे में बात की गई है, एंड द आर्ट ऑफ ह्यूमर, एक मजाकिया और आयरन व्यंग के बारे में बात हुई है, टू ले द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ए नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल इन पार्टिकुलर। इन दिस फील्डिंग्स कहता है एक्सपीरियंस ऑफ द थिएटर हेल्प हिम एट प्लॉट, प्लॉट को निकालने काम करती है लॉट बहुत ज्यादा। इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू कॉट वीएस प्रीस्टेट एज मेंशन बाय आरपीसी मटर के बारे में बात की गई है इन हिज इंट्रोडक्शन टू जॉन, तो हम जॉन्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, बताया गया है कि द स्टेज टॉट फील्डिंग हाउ टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ फ्लैट, कैसे वो ब्रेक लेते हैं फ्लैट से कंटिन्यूअस। फील्डिंग नरेटिव जो है आपका क्वेश्चंस दैट स्टेट विच एक्शन फ्रेम्स के बारे में बात होती है, होल ब्रीफ कमेंट, सेंस डू नॉट ट्रेम्बल एंड मेल्ट टू अदर, दे स्नैप फास्ट, शार्पली डिवाइडेड, विटली कंस्ट्रक्टेड, कनिंग एंड बैलेंस। फील्डिंग्स नरेटिव हैज द सरप्राइजिंग सेंस, एक दिखा दी सस्पेंसफुल के बारे में बात की, लेट अस वेट, अगर वेट किया जाए इसका, सी एलिमेंट ऑफ ड्रामा विच एज प्रिचेट रिमार्क्स, सिचुएशन कैप्ट एंड रिकैप, दोनों होता है, कैप भी होता है जो रिकैप भी होता है। द थिएटर टॉट फील्डिंग इकोनॉमी एज फॉर स्मॉलेट एंड स्टर्न, देखिए दो व्यक्ति के बारे में बात किया गया यहाँ पे, एक स्मॉलेट है, दूसरा है स्टर्न, एंड अदर और दूसरे कोई और व्यक्ति भी, दे नीड टू नॉट बी डिस्कस्ड, वो उतना जरूरत नहीं होता है डिस्कस्ड करना, आपस में बात करना, एज नो क्रिटिक हैज डेयर्ड टू गिव देम द राइट टू बी कॉल्ड, कहा गया है फादर और फाउंडर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। देखिए फील्डिंग को जो है दोनों चीज कहा गया है, एक फादर और फाउंडर माना जाता है इंग्लिश नॉवेल का, इसको फील्डिंग को याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके एग्जाम के लिए, इग्नू एग्जाम के लिए, MEG3 ब्रिटिश नॉवेल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम चाहते हैं इस टाइप का नोट्स आपके सामने लाते रहें, थैंक यू।